हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूं देव। आप सभी को स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसपी डॉक्टर पेट वर्ल्ड में। आज मैं कुछ ट्रिक के साथ आया हूं जो आप सभी के बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बिगनर्स है अभी जो भी प्ले कर रहे हैं जो स्टेज वगैरह वहां पे। तो हम कुछ ट्रिक बताएंगे आपको। जो ट्रिक है कि गाने के हिसाब से हम कैसे अपना हैंड स्पीड बैलेंसिंग करेंगे एंड कैसे स्पीड मेंटेन करेंगे। स्पीड या वो जो लय बोलते हैं उसे बैलेंसिंग करने के लिए हम मेट्रोनोम के साथ पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है। मेट्रोनोम क्या है एंड कैसे उसको प्ले करते हैं, कैसे बारी बारी से हम वो जो काउंट मेट्रोनोम काउंटर था 1 2 3 4 ऐसे ही रहता है उसका काउंट, उसके साथ हम कैसे बैलेंसिंग करके हमारा ऑक्टापड प्ले करेंगे तो हम देखेंगे। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि आप कैसे इसको प्ले कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कैसे लगा ये पेज, एंड सब्सक्राइब बटन क्लिक करना है, पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना क्योंकि इस तरह का वीडियो हमेशा चैनल में उपलब्ध रहता है। चलिए दोस्तों बारी बारी से देखिए मैं कैसे आपको समझा लेता हूँ। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर अभी कुछ फोटोज शो कर रहे हैं तो उसको बारी बारी से देखिए। उनमें जो लिखा है टाइप्स ऑफ नोट, मतलब वहाँ पे जो हमारा नोटेशन रहता है, मतलब कैसे हम प्ले करेंगे उसका जो नोटेशन रहता है वो वहाँ पे लिखा हुआ है। एंड साइड में जो लिखा है मेट्रोनोम, मतलब बीट काउंट जो टेम्पो रहता है उसके हिसाब से हम जो एक मेट्रोनोम प्ले होता है 1 2 3 4, मतलब वो आवाज़ करता है टिक 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 टिक, ऐसे ही वो काउंट करता है। तो पहला जो हमारा नोट है वो है होल नोट, मतलब ये जो हमारा टच रहता है, अगर आप लेफ्टी है तो पहले काउंट लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, अगर आप राइटी है तो पहले काउंट आप राइट से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं दरअसल राइट से प्ले करता हूँ पहले, तो मैं पहले राइट से स्टार्ट करूँगा। दोस्तों यहाँ पे जो होल नोट है वहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो पहले जो 1 पर ही हमारा टच सिर्फ रहेगा, 2 खाली जाएगा, 3 खाली जाएगा, 4 भी खाली जाएगा, फिर जो रिटर्न आएंगे 1 पर वहाँ पे ही टच होगा सिर्फ। ऐसे 1 2 छोड़ देंगे, 3 छोड़ देंगे, 4 छोड़ देंगे, फिर 1 पे ऐसे हम टच करेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं कैसे अब ये जो मेट्रोनोम के साथ आप प्ले करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको जो पहला वाला हमारा नोट था होल नोट वो आपको मैं समझा दिया। चलो दूसरे नोट पर चलते हैं। दूसरे नोट पर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा और लिखा है हाफ नोट, मतलब हमारा जो 1 2 3 4 है तो उसको हम प्ले करेंगे कैसे। पहले 1 पर टच होगा, देन 2 खाली जाएगा, उसके बाद 3 पर टच होगा, फिर 4 खाली जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे हम प्ले करेंगे मेट्रोनोम के साथ। अब चलिए देखते हैं आपको आपका जो स्क्रीन है वहाँ पे शो कर रहा होगा टाइप नंबर 3 क्वार्टर नोट, मतलब हमारा जो 1 2 3 4 है हर एक काउंट पे हम टच करेंगे, मतलब 1 पर भी टच होगा, 2 पर भी टच होगा, 3 पर भी टच होगा एंड 4 पर भी टच होगा। मतलब वहाँ पे लिखा है RL, मतलब 1 2 3 4, अगर आप लेफ्टी हैं तो वहाँ पे प्ले कर सकते हैं LR। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आप मेट्रोनोम के साथ कैसे आप प्ले करेंगे। चलिए देखते हैं जो फोर्थ नंबर पे है हमारा 8 नोट, मतलब वो 2 गुण है, कैसे ये जो हमारा 1 2 3 4 है 1 और 2 के बीच एक काउंट आएगा, 2 और 3 के बीच एक काउंट आएगा, 3 और 4 के बीच काउंट आएगा और 1 2 3 4 लगातार वो प्ले होगा। जैसे कि देखिए कैसे हम मेट्रोनोम के साथ प्ले करते हैं।
दोस्तों मैं अभी आपको जो फोर्थ नंबर नोट था हमारा, एट नोट मतलब 2 गुण था, उसको मैं आपको समझा दिया अभी। अभी चलिए देखते हैं 5 नंबर नोट पर जो 16 नोट है, मतलब वो 4 गुण है। इसे कैसे प्ले करेंगे हम? 1 2 3 4 जैसा है, 1 एंड 2 के बीच में ऐसा काउंट आएगा कि आर एल मतलब 4 बार टच होगा, 1 एक बार एंड 2 एक बार, ये 2 हो गया, एंड बीच में तो मैं मतलब एल आर आ जाएगा। देखिए कैसे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। दोस्तों अब चलिए देखते हैं बारी बारी से, मैं आपको स्टार्टिंग से और एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसका जो कोटेशन है मतलब टेम्पो काउंट जो है आपका स्क्रीन में शो कर रहा होगा, उसको देखिए मैं कैसे आपको समझाता हूँ और एक बार। हमारा जो टाइप 1 है मतलब होल नोट, उसका काउंटिंग है 1 2 3 4 ऐसा है, 1 पर सिर्फ काउंट आएगा, मतलब आर स्पेस स्पेस स्पेस, आर स्पेस स्पेस स्पेस। देन सेकेंड नोट पर चलिए, हाफ नोट जो है वहाँ पे 1 2 3 4 काउंट की जगह 1 पर क्लिक होगा, देन 3 पर क्लिक होगा, 2 एंड 4 ब्लैंक जाएगा। मतलब देखिए कैसे उसका काउंट होता है, आर स्पेस एल स्पेस, आर स्पेस एल स्पेस। देन दोस्तों चलिए हमारा जो क्वार्टर नोट है उसका जो काउंटिंग होता है 1 2 3 4 की जगह 1 पर टच होगा, 2 पर टच होगा, 3 पर टच होगा, फिर 4 पर टच होगा, मतलब आर एल 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 आर एल। देन दोस्तों चलिए जो हमारा फोर्थ नंबर नोट है, एट नोट मतलब 2 गुण जो है उसका जो काउंटिंग रहता है 1 2 3 4 जो रहता है, वहाँ पे 1 एंड 2 के बीच एक आ जाएगा, 2 एंड 3 के बीच एक आ जाएगा, 3 एंड 4 के बीच एक आ जाएगा। मतलब देखिए 1 पर टच होता है, 2 पर टच होता है, 3 एंड 4 उसका काउंटिंग होता है, आर एल आर एल आर एल आर एल। मतलब देखिए जो आर है सब नंबर के हिसाब से उसका जो टच है, 1 पे आर आ रहा है, 2 पे आर आ रहा है, 3 पर आर आ रहा है, देन 4 पे आर आ रहा है। मतलब एल जो है 1 एंड 2 के बीच आएगा, 2 एंड 3 के बीच आएगा, देन 3 एंड 4 के बीच आएगा, देन 4 एंड 1 के बीच आएगा। देन दोस्तों चलिए देखते हैं हमारा 5 नंबर जो नोट है 16 नोट, वो 4 गुण है, उसको कैसे हम प्ले करेंगे। 1 2 3 4 ऐसा होगा, 1 एंड 2 के बीच में ऐसा काउंट आएगा कि आर एल 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 आर एल, मतलब आर आ रहा है हमारा 1 पर, देन एल आ रहा है जो लास्ट वाला एल आ रहा है जो 2 पर आ रहा है, उसके बीच में जो हमारा है एल आर वो बाकी रह गया है, उसको कैसे फिलअप करेंगे। आर एल मतलब आर एल आर एल, ये हो गया 1 एंड 2 के बीच, फिर आ रहा है आर एल वो आ गया 2 एंड 3 के बीच, फिर आ रहा है आर एल वो हो गया 3 एंड 4 के बीच, देन आ रहा है आर एल वो आ रहा है 4 एंड 1 के बीच। दोस्तों ये जो टोटल पूरा हमारा जो बीपीएन काउंट था, हम 60 के हिसाब से इसको काउंट कर रहे थे, तो आप अपने जो हैंड स्पीड के हिसाब से इसको जो टेम्पो काउंट है उसको भी बढ़ा सकते हैं, उसको घटा भी सकते हैं। तो दोस्तों आप अपना हैंड स्पीड ऐसे ही बढ़ा पाएंगे। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, कमेंट करके बताना कैसे लगा ये वीडियो। अगर आप नया ही इस चैनल में तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करना, पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना, क्योंकि ये जो चैनल रहता है इसमें पूरा ऑक्टोपैड रिलेटेड कोई भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले लेसन में।